राम राम जी, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दबंग जाटनी ब्लॉग्स में। और कई दिन से मेरे कोई ब्लॉग वीडियो कुछ भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। और संडे को जो है वो घर में एक छोटा सा फंक्शन है, और आप सभी विद फैमिली इन्वाइटेड हैं। ज़रूर जो लोग आ सकते हैं वो ज़रूर आइएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ कोई व्लॉग या कोई सूट्स की वीडियो शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आप लोग के साथ अपना पर्सेस, जो मैं स्लिंग बैग्स रखती हूँ, वो वाला कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो वाला बड़ा पसंद आता है कि आपने ये वाला बैग कहाँ से लिया था, ये वाला कहाँ से लिया था। क्योंकि मैं हमेशा स्लिंग बैग ही यूज़ करती हूँ, कंफर्टेबल रहता है और बहुत सारा सामान भी आ जाता है, और अलग से ये भी नहीं होता कि हाथ में पकड़ो या टांगो। वो टांगने वाला तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना ही मैं हाथ में लेने में कंफर्टेबल होती हूँ। मतलब कोई शादी पार्टी या नॉर्मली कुछ भी कैजुअली कुछ भी हो, तो मैं स्लिंग बैग्स ही प्रेफर करती हूँ। तो उस वजह से फिर मेरे को ये लगा कि नहीं, मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा ही, मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ। ऑफलाइन मार्केट में ना तो मेरे को पसंद आते हैं, और पसंद भी आ जाए तो उसके फिर रेट्स बड़ा अजीबोगरीब हो जाते हैं। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि वो बार्गेनिंग के हिसाब से रखते हैं कि बंदा आएगा, बार्गेनिंग करेगा, ये वो। क्योंकि मैं अपनी शॉप में भी फिक्स रेट रखती हूँ, तो फिर आगे भी यही वो करती हूँ कि फिक्स रेट ही मिले। उसमें एक फिक्स हो जाता है कि हाँ इतना मार्जिन है, और बार्गेन वाले सिस्टम में कोई फिक्स नहीं होता है। कितना भी जो है वो आपके साथ हो सकता है, मतलब मार्जिन कितना भी वो काट सकते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ अपने स्लिंग बैग्स का कलेक्शन शेयर करूँगी। जो भी पर्स आपको पसंद आएगा वो आप भी परचेज कर सकते हो, क्योंकि ये सारे पर्स मैंने अमेज़न से लिए हैं, और मल्टी कलर में हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा कलर मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर करूँगी जो कि पसंद ना आए, जो कि थोड़ा सा ओल्ड लगे कि नहीं ये वैसा सा है। सारी चीज़ें बहुत ट्रेंडी और बहुत बहुत फैशनेबल चीज़ें हैं। और अब भाई, मैं एक बहन ने बोला था कि एक पर्स को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसकी जान ना निकल जाए, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बदलती रहती हूँ। अभी तक मेरे पास 3 थे, बट अभी मैंने 5 और मंगवा लिए ताकि मैं चेंज कर सकूँ, क्योंकि लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो उसी तरीके से हम मेगा अपने पर्सेस जो है स्लिंग बैग को भी हम चेंज कर लेते हैं। तो उस वजह से, क्योंकि मेरे को बहुत सारा सामान भाई लेके मैं चलती हूँ, ये भी वो भी। तो ये देखो, पहले वाला जो पर्स है वो इस तरीके से, ये वाला ग्रे शेड में है, आगे जो है वो लाइट ग्रे जो है बेस है, और उस पर ये वाला मल्टी कलर में जो है इस तरीके से क्रिस्टल टाइप का कुछ जो है वो प्रिंटेड है, और जो लेदर जैसा फैब्रिक होता है ना वो वाला है। मतलब चीज़ें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। और इसका जो ब्रांड रहने वाला है वो है वुमेन मार्क्स, जो कि यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, वुमेन मार्क्स। तो इस तरीके से है, नॉन लेदर हैंड बैग, नॉन लेदर है। और पीछे भी जो है इसमें एक छोटी सी जिप है, ये बहुत काम आती है। मतलब कि कुछ खुले पैसे हो गए वो डाल लिए, या चाबी वगैरह डाल ली, तो उन कामों के लिए ये वाली तो मेरे हर स्लिंग बैग में आपको मोस्टली में मिलेगी ही मिलेगी। और एक आधा ऐसा हो जाता है कि जो बस पसंद आ गया। कई बैग्स मेरे पास ऐसे हैं जो मैं लेके आई थी और वो मैंने यूज़ ही नहीं की, बस ला के रख दिया, क्योंकि वो बाद में फिर मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगे। और इस तरीके से ये वाली इसकी जो है वो, आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, और रिमूवेबल भी है, डिटैचेबल है, आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। मतलब आप इसको अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, या इस पे अलग से लगा के आप इसको किसी भी पर्पज से यूज़ कर सकते हो। तो इस वजह से मेरे को ये वाली बहुत अच्छी लगी। मैं कॉलेज में भी यही डिटैचेबल वाला पर्स लगाती थी। पता है बच्चे क्या करते थे? बच्चे इसको हटा के और पर्स को छोड़ के भाग जाते थे। और इसके अंदर जो है इस तरीके से है, आपको ये वाला बहुत अच्छा फैब्रिक अंदर भी मिल रहा है, यहाँ पे भी एक पॉकेट मिल रही है, बीच में आपको ये वाला जिपर मिल रहा है इस तरीके से। मतलब काफ़ी स्पेशियस है, जैसा कि आपको छोटा सा दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा है, स्पेस काफ़ी है, सामान काफ़ी आ जाएगा। तो इस तरीके से है, और ब्रांड मैंने आपको बता दिया है। सारे जो मैं आप लोग के साथ स्लिंग बैग शेयर करूँगी, सबका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और जो भी ऑफ़र होगा, जो भी डिस्काउंट कोड होगा, वो सब भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो पहला तो था ये वाला, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ लाइट में रिफ्लेक्ट कर रहा है,
जो ये वाली प्रिंटिंग है, ये वाली, और एक और मैं इसी ब्रांड का आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, वुमेन मार्क्स का ही, ये फ्लोरल प्रिंट में है और ये वाला इंग्लिश कलर में आ जाता है, इस तरीके से है बैक में, सेम आपको बैक में भी आपको ये वाली जिप पॉकेट मिल रही है इस तरीके से, और काफ़ी है ये, अगर मेरा इतना हाथ चला गया है अंदर तो आप लगा सकते हो कि अच्छी खासी इसकी डेप्थ भी है, तो इस तरीके से है, और अंदर आपको ये वाली जिप मिल जाती है। इसमें आपको ये मैंने कुछ और ही सामान डाल के घूम रही थी मैं, अंदर भी आपको ब्रांड वाला ही वुमेन मार्क्स का ही जो है वो फैब्रिक पे भी वो प्रिंटिंग मिल जाती है इस तरीके से, सेम चीज़ें हैं बिल्कुल, बस आगे से प्रिंटिंग चेंज है, और मैंने ये वाला मौसी के लिए मंगवाया है, ये वाला है ना, क्योंकि कलर्स मतलब ऐसा कलर है कि सारे सूट्स के साथ मिक्स मैच हो जाएगा, बाकी तो मौसी की पसंद है ना, तो इस तरीके से है ये वाला, और ये वाली इसकी जो स्लिंग होगी, मतलब कलर ऐसा है, बाकी मैं ऐसा डालती हूँ मोस्टली जब डालती हूँ तब, कि जब लंबा ट्रैवल करना होता है या लंबा वॉकिंग होता है तब मैं इस तरीके से, अदरवाइज़ साइड में भी ले लेते हैं, ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है। तो हर प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस तरीके से है। और एक है ये वाला, ये इन्हीं के साथ में फ्री में मिला है, मतलब ऑफर था कि इसके साथ में ये वाला मिल जाएगा, तो चलो भाई ये भी काम आ जाएगा, ये मम्मी रखती है ऐसे ऐसे पर्स, मम्मी को दे देंगे भाई ये है क्रीम शेड में, और इस तरीके से है, और अंदर ये वाले आपको यहाँ पे पॉकेट मिल जाते हैं, कि एक जिपर मिल जाती है इस तरीके से है, यहाँ पे ये बटन, तो ये ठीक है। अब आ जाता है, क्योंकि जो स्लिंग बैग है उसमें मेरा फेवरेट ब्रांड मतलब है वो है एग्जॉटिक, एग्जॉटिक के मेरे को स्लिंग बैग बहुत पसंद आते हैं, मटेरियल भी काफ़ी होता है अच्छा होता है, और डिज़ाइनिंग भी काफ़ी होती है। देखिए वुमेन मार्क्स भी अच्छा है, मैं उसको गलत नहीं बता रही, क्योंकि मैंने चीज़ें ली हैं तो वो भी अच्छी है, और मेरे पास हाथ में है, मैंने आप लोगों के साथ दिखा भी दी, बहुत अच्छी है, बट एग्जॉटिक की जो है वो बात ही अलग है, ये मेरा फेवरेट है। तो इस तरीके से है ये वाला स्लिंग बैग, मल्टी कलर में इस तरीके से स्ट्रिप्स हैं इस पे प्रिंटेड, और ये कुछ टेक्सचर है, या देख पा रहे हो ये वाला जो है वो टेक्सचर में है, नीचे यहाँ पे ये वाले चार डॉट्स मिल जा रहे हैं, बैक में भी आपको सेम जो है वो एक जिपर मिल रही है इस तरीके से, ठीक है। और जो बीच में आएगा इस वाली बड़ी वाली पॉकेट के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे एक पॉकेट मिल रही है, और इधर में आपको साइड में जिपर मिल रही है, बाकी आपको बहुत स्पेस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेस, तो मेरे को इस वजह से, और मैं अभी माउंट अबू गई थी तब भी मैंने एग्जॉटिक का ही जो है वो जो स्लिंग बैग है वो कैरी किया हुआ था, बहुत कमेंट आए थे कि ये व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने ये कहाँ से लिया कहाँ से लिया, और ये वाला देखो बहुत ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर है ये वाला, थोड़ा ऑफिस वाली लुक दे देता है ना इस तरीके से, ट्रायंगुलर शेप में है ये वाला, और बिल्कुल लेदर वाली फील है, बैक में ब्लैक है और यहाँ पे ये है जो जिपर मिल जाती है इस तरीके से है, और जो है ये वाली यहाँ बड़े वाली पॉकेट, और इसमें सेम आपको इधर में पॉकेट उधर में, और इसकी जो जिप है उस पर भी आपको एग्जॉटिक मिलेगा है ना, तो इस तरीके से आगे भी आपको एक ब्रांड वो लोगो ही मिल रहा है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी हैं, तो आप लोग चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो भी स्लिंग बैग्स मेरी तरह, और इस ये देखो इसकी स्ट्रिप जो है वो बहुत अच्छी है, स्टाइलिश है, मतलब अगर आप ऐसे करोगे तो ये चीज़ बैक में आ जाएगी, अगर आप इस मतलब लेफ्ट हैंड पे टंगोगे तो ये फ्रंट में आ जाएगी, और राइट पे लोगे तो ये बैक में आ जाएगी, बहुत स्टाइलिश और बहुत लाइट वेट चीज़ें हैं, ताकि आपको एक बोझ सा फील ना हो कि मतलब कुछ हैवी ले लिया है। और एक फिर मैंने ले लिया ये वाला ग्रीन कलर में, क्योंकि मेरा ग्रीन, मैं मतलब मैंने कुछ सुना था कि ग्रीन कलर का वॉलेट जो पर्स है वो हमें ग्रीन कलर में रखना चाहिए, तो उस वजह से फिर मैंने ये वाला भी मंगवा लिया, क्योंकि इससे पहले भी मेरे पास एक पिस्ता ग्रीन शेड में है,
ये वाला ग्रीन मैंने मंगवा लिया, इस पर ये वाली चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, टेसल टाइप की है जो आजकल सूट्स पे भी आता है उसी तरीके से। ये वाला इसके भी बैक साइड में आपको इसी तरीके से जो है वो ज़िपर मिल रही है, अंदर जो है वो के ब्रांड नाम से है, और यहाँ से जैसे पर्स को खोलेंगे इस तरीके से टिच बटन, और अंदर जो है आपको दो जिप मिल जाती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हैं ये, काफ़ी स्पेशियस हैं काफ़ी। और मेरे ये चीज़ें बहुत काम आने वाले हैं क्योंकि मैं भाई बहुत सारा सामान लेके चलती हूँ बहुत सारा, तो जो भी आपको बैग पसंद आए जो भी कलर और सारी चीज़ें, हाँ इनमें कलर ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें यही वाला कलर मिलेगा, नहीं इसमें 8 से 10 कलर अवेलेबल हैं, और ऐसा ही सेम इसमें भी है सारे वॉलेट्स पर जो है। इसमें क्या है, इसमें आपको ये वाले स्ट्रिप्स का डिज़ाइनिंग प्रिंटिंग सारी चीज़ें भी चेंज मिल रही है, कलर ऑप्शंस भी चेंज मिल रहे हैं, इसी सेम प्रिंट में भी दूसरे कलर्स भी मिल रहे हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको सारे ही स्लिंग बैग्स का। तो ये देखो ये वाले, तो भैया आज मैंने आप लोग के साथ अपने सारे स्लिंग बैग्स जो है वो शेयर कर दिए हैं, जो अभी मेरा नया नया कलेक्शन था। ओह माँ, ये वाला सारा, तो आप लोग चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आई होप कि आपको कलेक्शन पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।